वेलकम टू ईसीसी। मैं दीप्ति आज आपके सामने फिर से लेके आई हूँ एलजेब्रा का पार्ट टू। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एलजेब्रा पार्ट वन देखा था, जिसमें हमने यूजेस ऑफ वेरिएबल्स देखे थे, किन किन कंडीशंस में कैसे चेंज होता है और वेरिएबल्स का क्या यूज होता है वो हमने जाना था। आज भी हम वेरिएबल्स के यूजेस को देखेंगे और भी आगे अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि अरिथमेटिक्स में वेरिएबल्स की क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो आज हम लोग उसी के विषय में चर्चा करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा हमने देखा है कि मतलब 2 + 4 = 4 + 2 होता है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, या फिर 2 × 4 = 4 × 2 होता है, मतलब हम इसे इसके प्लेस को चेंज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। 2 + 4 लिखे या 4 + 2 लिखे, ठीक है, ये हो गई इस जो नंबर है उसकी वैल्यू की बात, ये नंबर की वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं a + b = b + a, तो ये क्या है, ये ए और बी जो है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, या फिर 7, 8, 9 जो भी है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, ऐसे ही इसके सिद्धांत पे a × b = b × a, ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये बात हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4 × 112, ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे। 4 × 112 मीन्स हो गया 4 × इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + 12, है ना, मतलब ये जो 4 है इसके साथ भी इंटू हो रहा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं xy + z। ये इस वैल्यू पे हमने ये पुट किया, तो ये कैसे आएगा, जब इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो xy + xz। ये हमने इसमें क्या देखा कि ये भी जो हमारा है ये वेरिएबल हो सकता है, xy, z, ये तीनों वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अभी का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स, मतलब हम वेरिएबल्स जो है उसके साथ कैसे एक्सप्रेशंस अपने चेंज करते हैं या फिर किस तरह से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले साइन लेते हैं, ये हमारे पास है 2x + 3y + 4z + 7, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक्सप्रेशंस है। तो कैसे इसे सॉर्ट करेंगे, इसे हम सबसे पहले बेसिक से समझेंगे कि हमारा बेसिक्स क्या रहता है। मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है x + 2, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इज एडेड टू x, मतलब x में 2 एडेड है, एड किया हुआ है, x हमारा वेरिएबल टर्म है, ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, मान लेते हैं y - 5, तो ये जो y - 5 है इसका मतलब ये हुआ कि y में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ठीक है, ये हमने क्या किया, y में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक है 10z, दैट मीन्स क्या हुआ कि 10 जो है ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में है, देन 10 इज मल्टीप्लाइड टू जेड, ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन से मतलब जो हमने पाया है वो हमने लिख दिया। अब एक हमारे पास है x/2, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये डिवाइडेड है, x इज डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स जो है ये 2 से डिवाइडेड है। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हुआ है -5p, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय -5, मतलब इसमें हमने क्या किया, जो वेरिएबल पार्ट है उसे हम पहले लिख दिए,
तो ये चीज हम किसी भी ये जो जितने भी हमने साइंस पढ़े हैं इसमें हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इसे छोड़ के। इसमें हम पहले वाई है तो वाई ही पहले लिखेंगे, उसे लास्ट नहीं लिख सकते। और बाकी सब में क्या है, ये जो है प्लेस चेंज हो सकता है, मतलब एक्स इज एडेड टू टू हो जाएगा, या फिर जेड इज मल्टीप्लाइड टू 10 हो जाएगा, इस तरह ये चेंज हो सकता है। ठीक है, लास्ट हम लोग एक लेते हैं 5x+2। तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स जो है इसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। मतलब 5 जो है एक्स से मल्टीप्लाइड है और उसके बाद जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है उसमें 2 ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सारे सिंबल्स आ रहे हैं, सारे साइंस आ रहे हैं कि किस तरह हम लोग जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ एक्सप्रेशंस को कैसे डिनोट करते हैं। अब इसके आधार पे हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। पहला एग्जांपल हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, आई हैव टू मोर पेन देन माई ब्रदर। ऐसे जब भी एग्जाम्पल्स होंगे तो पहले हम इसे हिंदी में अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, आई हैव टू मोर पेन देन माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई के पास जितने पेन है उससे 2 मेरे पास ज्यादा है। तो इसमें जो पार्ट नहीं है उसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव तो दिया हुआ है, माई ब्रदर्स पेन मुझे नहीं पता है, तो पहले हम क्या कहेंगे, लेट ब्रदर्स पेन बी एच, मतलब हमने पहले भाई के पेन को मान लिया कि उसके पास एच पेन है, तो मेरे पास जो पेन है वो नाउ आई हैव एच प्लस 2, ज्यादा था इसलिए प्लस हुआ, कम रहता तो माइनस होता। ठीक है, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मान लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, पूजा इज 6 इयर्स यंगर देन राजू। पूजा जो है वो 6 साल छोटी है अब राजू से, यंगर मीन्स होता है छोटा, पूजा जो है वो राजू से 6 साल छोटी है, तो इसमें किसकी एज नहीं दी हुई है, राजू की। तो हम लोग पहले कहेंगे लेट द एज ऑफ राजू, पहले हम लोग ने क्या किया, राजू की एज को वाई मान लिया। अब निकालना क्या है, देन पूजा एज, चूंकि पूजा छोटी है तो वाई माइनस 6, अगर पूजा बड़ी होती है तो y प्लस 6, मतलब यहाँ इल्डर या ओल्डर होता तो यहाँ पे हम प्लस देते, यहाँ यंगर है इसलिए ये हमने माइनस दिया। क्लियर है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है कि राजू जो है, राजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हीज सिस्टर, राजू जो है अपनी बहन की एज से 2 गुना है, मतलब जैसे अगर 5 गुना रहता तो 5x, 6 गुना रहता 6x, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2 गुना है। तो हम लोग पहले क्या कहेंगे, लेट द एज ऑफ हीज सिस्टर इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, नाउ राजूज एज इक्वल टू 2x है, मतलब 2x। ठीक है, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राजूज फादर सेज इज 2 years
मोर देन, राजूज फादर सेज 2 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राजू। ये देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस रहे तो पहले हमें अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो पढ़िए, राजूज फादर सेज इज 2 ईयर्स मोर देन 5 टाइम्स राजू। मतलब यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं, एक एक करके बनाते हैं। पहले मान लेते हैं राजू की एज नहीं दी हुई है, तो लेट द एज ऑफ राजू, राजू की एज हमने एक्स मान ली, ठीक है, लेट द एज ऑफ राजू। अब हमें क्या करना है, राजूज फादर एज जो है 5 टाइम्स राजू है। नाउ फादर्स एज इक्वल टू 5 टाइम्स, मतलब 5 × x प्लस 2 ईयर्स मोर देन, मतलब +2। अगर यहाँ 2 ईयर्स लेस रहता तो -2 होता। मतलब सीधी सी बात है, अगर राजू की एज 6 साल है तो उसके पिता की एज क्या है, 6 × 5 + 2, मतलब 30 + 2। ये जो है 30 + 2 = 32, मतलब राजू की एज अगर 6 साल है तो उनके फादर की एज 32 ईयर्स है। इस तरह से हमने जितने भी सिंबल्स या एक्सप्रेशंस को पढ़ा है उसके आधार पे हमने सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं। और प्लीज़ अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कमेंट है, तो उसे आप हमारे कमेंट में दें। एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े हुए, अलजेब्रा से जुड़े हुए नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, जिसमें आपके ये चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट बताया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को और अधिक से अधिक वॉच करें। थैंक यू।